देखिए पूरा एक जमीन पड़ा हुआ है, यहाँ बीड़ा बंधा हुआ है और इसको ट्रैक्टर में लेके जाएंगे। अभी कटिंग हो चुका है धान का और साथ में इसका जो ले जाने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर लगा हुआ है खेत में। काफी काफी अंदर है, सब जंगल के बीच में है और इसको जो जमीन बंजर जमीन रहते हैं उसको खेती बनाया जाता है और खेत बना के इसमें धान उपजाया जाता है, कोई भुट्टा उपजाते हैं कोई धान उपजाते हैं। और अभी धान का मौसम है तो धान का सीजन चल रहा है, अभी तो धान का कटिंग हो रहा है और काफी मजदूर लगे हुए हैं, धान का बीड़ा बांध रहे हैं। इसको बोलते हैं धान कटने के बाद जो बीड़ा बांधते हैं इसको बीड़ा बोलते हैं, धान का बीड़ा। और घर में ले जाएंगे फिर इसका खरी बनाएंगे, खरी। खरी बनाने के बाद में इसको धान के जो होते हैं उसको निकालते हैं बीज को, फिर इसको मंडी में बेचते हैं। कैसे भाई बेचते ना मंडी में? तो ये मतलब अभी मंडी में 3100 रुपये क्विंटल है ना, कितना क्विंटल थे मंडी में? 3100 रुपया। हम आए हुए बस्तर के किसान से मिलने के लिए और धान का कटिंग हो चुका है, अब बीड़ा उड़ा बांध रहे हैं देखिए। और एक क्या धान बोए हैं जी किसान भाई? 2001 धान बोए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको बीड़ा और धान। आप लोग कौन से गांव के हो? चीतापदर। चीतापदर, हाँ ये बेड़ा है, ये कुरंदी का है। कुरंदी का है। और ये जो सामने गांव है कौन सा गांव है? चीतापदर ना, चीतापदर गांव है। और देखिए धान की बाली, इस बार धान अच्छा हुआ है? देखिए धान का बाली कम हुआ है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो धान जो फसल होते हैं कम होता है। और यहाँ के किसान लोग धान की ही भरोसे रहते हैं और धान की बीड़ा बांध के तैयार है। ट्रैक्टर भी आ गया है, देखिए सामने ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में इसको ले जाएंगे धान के बीड़े को घर। ये रस्सी है, इसी से बांधते हैं धान। पैरा का रस्सी बोलते हैं इसको, हाँ ये पैरा का रस्सी है। पूरा लगे हुए हैं धान को पानने के लिए बीड़ा को। ले भाई बांध दो बीड़ा बांध। देखिए ये बीड़ा है, इसको धान का बीड़ा बोलते हैं। देखिए मैं भी किसान हूँ और मैं भी गांव में ऐसी बीड़ा वीड़ा बांधता था पहले, उसके बाद थोड़ा पढ़ लिख के आगे आ गया तो नौकरी मिल गया तो किसानी काम घर में अब करते हैं गांव में। देखिए करपा, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको बोलते हैं करपा, हाँ करपा बोलते हैं। करपा से बनता है बीड़ा, देखिए रस्सी बांध रहे बीड़ा, ये दे बीड़ा कड़ा, हाँ बीड़ा भाड़ा बांधना। साहू भाई किसान है बस्तर का चीतापदर की, है ना भाई? हाँ। ये भी साहू है, मैं भी साहू हूँ। आज आए हुए हम देख रहे हैं पूरा खेती इन्हीं का है और धान कटने के बाद में जो बीड़ा बांध रहे हैं, ये बीड़ा है देखिए। ये बीड़ा का वजन कम से कम नहीं तो 30 केजी रहता है, 30 केजी है आसपास। इसको ले जाएंगे ट्रैक्टर में और अपने जो ब्यारा होते हैं कोठार बोलते हैं ब्यारा, वहीं इकट्ठा करेंगे, खरी बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक्टर से मिसाई करते हैं, है ना? इस प्रकार के होता है। देखिए यहाँ हार्वेस्टर आया नहीं है, अभी हार्वेस्टर आता तो जल्दी हो जाता, लेकिन यहाँ हार्वेस्टर अभी आया नहीं है तो ट्रैक्टर के माध्यम से धान के तो मिसाई करते हैं। खेती का बड़ी इसी से होता है आजकल। और हमारे इधर क्या है, हार्वेस्टर आ गया है तो हार्वेस्टर क्या करता है, एक ही साथ में ना बीज निकाल के फेंक देता है वो। तो ये जो बताइए साहू भाई, एक खेती आपने पूरा, ये लोग जो मजदूर लेके आए हैं आपने बीड़ा बांधने के लिए, टोटल कितना एकड़ होगा आपके पास इधर? यहाँ पे होगा 10-12 एकड़ होगा। 10-12 एकड़ होगा, है ना? समझिए थोड़ा समझिए, आवाज आएगा ना, आवाज नहीं है फिर तुम ना भाई। आइए भाई, आप कब से खेती कर रहे हैं? मोदी करता है, मोदी खेती कर रहे हैं बचपन से, बचपन से खेती करते हैं। ये लोग गांव चीतापदर के हैं जो जगदलपुर से करीबन 30 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में है और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और खेती बाड़ी के माध्यम से अपन जीवन चलाते हैं। तो आज मैं देखा खेत को, देखिए खेत में जो फसल हुआ है और जिला से अपेक्षा कम होता है यहाँ पे, और धान के जो बाली होते हैं पानी नहीं मिलने के कारण छोटा छोटा हो जाता है और सब लगे हुए हैं आज खेती के लिए और खेती के बाग को ले जाने के लिए धान को। देखिए देखिए भाई को बीड़ा बांधना, देखिए उनको पूरा लगा हुआ है,
पानी नहीं है, पानी नहीं है ऊपर के भरोसे से ध्यान होना। देखिए और हम आपको दिखा रहे हैं बस्तर के किसान, और इस वक्त चल रहा है धान फसल की कटिंग और साथ में बीड़ा बांधना और लेके जाना कोठार में, उसको इकट्ठा करके मिसाई करना, फिर उसके बाद मंडी में बेचना। इस तरह से प्रोसेस अभी चल रहा है गांव-गांव में काम। तो हम चलिए आपको किसान का एक ब्लॉग बनाते हैं। तो आज हम ब्लॉग बनाने के लिए निकले हुए हैं चितरपदर गाँव में, और ये काफ़ी जंगल के अंदर में है, और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण फसल थोड़ा कम होता है बस्तर में। आप लोग सभी जानते हैं बस्तर का जो ज़मीन है पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पानी वानी की व्यवस्था तो नहीं रहता, लेकिन ऊपर के भरोसे रहते हैं, जो पानी गिरते हैं ऊपर से उसी से ये फसल उपजाते हैं। तो हम देखिए उठाओ इसको बौना में, देखिए ये लेके जा रहा है और इसमें डालेंगे, देखिए ये जा रहे हैं, अभी इसको लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, घर जाएंगे, ट्रैक्टर में जाएंगे ना। हाँ देखिए ट्रैक्टर में जा रहे हैं। अमरूद खाने के गया था ये, देखिए एक काम छोड़ के अमरूद खाने गया था, ये भी उठाएंगे बोना में, चलिए उठाइए बोना जी, पकड़िए जी, देखिए ये भी ट्रैक्टर में लेके जा रहे हैं धान को, देखिए ये भी और किसान ये भी है, बोना में डाला है बीड़ा को, ये देखिए ऐसे डालते हैं, अब इस पर इस डालेंगे, इसको बोलते हैं बौना, और बौना में दोनों तरफ धान का बीड़ा रहता है, और इसको खांधे में लेके जाते हैं, देखिए इसको लेके जाएंगे खांधे में इस तरह से, देखिए इस तरह से काम होता है किसानों का। ये भी भाई किसान है और लेके जा रहे हैं बौना में, आराम से देखिए, और इनको लेके जा रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं काम में। ये बौना है, और बौना से ये बीड़ा को कैसे बांध ले जाते हैं हम बताएंगे आपको, धान के जो बाली होते हैं। अमरूद खाने के गया था ये, देखिए ये काम छोड़ के अमरूद खाने गया था, ये भी उठाएंगे बौना में, चलिए उठाइए बौना जी, पकड़िए जी, देखिए ये भी ट्रैक्टर में लेके जा रहे हैं धान को, देखिए ये भी और किसान ये भी है, बोना में डाला है बीड़ा को, ये देखिए ऐसे डालते हैं, अब इस पर इस डालेंगे, इसको बोलते हैं बोना, और बोना में दोनों तरफ धान का बीड़ा रहता है, और इसको खांधे में लेके जाते हैं, देखिए इसको लेके जाएंगे खांधे में इस तरह से, देखिए इस तरह से काम होता है किसानों का। ये भी भाई किसान है और लेके जा रहे हैं बौना में, देखिए ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के माध्यम से घर ले जाएंगे धान को, आराम से देखिए, अच्छा लग रहा है धान, अच्छा हुआ इस बार, लोग लगे हुए हैं काम में। कितना जनसंख्या है गांव का, सीतापदर है ना। तो दोस्तों देखे हैं खेती बाड़ी, बताए हैं आपको वीडियो, और हम चितरपदर गांव में हैं, और यहीं से धान लेके जा रहे हैं फसल को, और इसके बाद हम ट्रैक्टर के माध्यम से ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसका मिसाई सही होगा, फिर मंडी में जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल में नए हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए चलते हैं यहाँ से।